दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने फोन से डिलीट हो चुके वीडियोज को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कभी हमारी गलती से हमारा कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डिलीट हो जाते हैं या फिर कुछ वीडियोज को हम जानबूझ के डिलीट कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें उन वीडियोज की फिर से जरूरत पड़ती है और हम चाहते हैं कि हम उन्हें फिर से रिकवर कर पाएं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप डिलीटेड वीडियो को अपने फोन में किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फोन से आपके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डिलीट हो गए और आप उन्हें फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे की साइड आपको जो रिस्टोर का बटन देखने को मिलता है आपको सिंपली रिस्टोर वाले बटन पर टैप कर देना है। जिसे आप रिस्टोर वाले बटन पर टैप करेंगे यहां से आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको इस परमिशन को ऐसे अलाउ कर देना है। जैसे आप परमिशन को अलाउ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग चलेगी और प्रोसेस करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसने स्कैन कंप्लीट कर लिया है और इसको 561 ऐसे वीडियोज मिले जो कि हमने अपने फोन डिलीट कर दिए थे या डिलीट हो चुके थे। अब इसके बाद नीचे आपको सो डिलीटेड फाइल का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर टैप करना। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे फोल्डर में देखने को मिल रहे हैं। हर फोल्डर में आपको कुछ वीडियो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं किसी फोल्डर में आपको 7 फाइल देखने को मिल रही है, किसी में 10 फाइल देखने को मिल रही है, किसी में आपको 6 फाइल देखने को मिल रही है, किसी में आपको 56 फाइल देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरे वीडियोज की लिस्ट आपको यहां पे इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब यहां से जिस किसी वीडियो को आप रिकवर करना चाहते हैं उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। रिकवर किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दो वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें से जिस किसी वीडियो को आप रिकवर करना चाहते हैं सिंपली आपको इस तरह से उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद बॉटम पे आपको जो रिस्टोर नाउ का बटन मिलता है आपको सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो यहां पर रिकवर हो चुका है। अब रिकवर होने के बाद आप देखना चाहते हैं कि आपके फोन गैलरी में कहां पर रिकवर हुआ है, तो चलिए मैं यहां से बैक ले लेता हूं। बैक लेने के बाद चलिए मैं अपने फोटोज को यहां पर ओपन कर लेता हूं। वाला सेक्शन पे चलेंगे और यहां पर चलिए लाइब्रेरी पे चलते हैं। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो चुका है डिलीटेड वीडियो रिकवरी के नाम से। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वही वीडियो जिसे हमने रिकवर किया था। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी फोन से आपका कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डिलीट हो गया और आप उसे फिर से रिकवर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से और इस एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।